क्लास टू। आज हम लोग अपने क्लास में रिवीजन करेंगे। आज हम लोग कुल तीन पाठों का रिवीजन करेंगे, यानी कुल तीन पाठ जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनको दोहराएंगे, फिर से पढ़ेंगे, जिससे वो हमें और अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो जो जो पाठ आज हम लोग दोहराने वाले हैं उनके नाम हैं, सबसे पहले आओ पेड़ लगाएं, उसके बाद हठी कछुआ, और तीसरे नंबर पे बुद्धि का बल। आपको याद होगा बच्चों, ये तीनों पाठ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले पाठ से, जिसका नाम है आओ पेड़ लगाएं। पाठ दो, पेज नंबर 9। बच्चों पहले एक बार दोहरा लेते हैं कि इस पाठ में हम लोग ने क्या कहानी पढ़ी थी, इसमें क्या हुआ था, फिर आगे बढ़ेंगे हम दूसरे पाठ की ओर। तो ये आओ पेड़ लगाएं, इस पाठ में हम लोग ने देखा था कि कुछ बच्चे मिलकर के अलग अलग तरीके के अलग अलग फल के फूल के पौधे लगाते हैं ज़मीन पे, ठीक है। और इसमें से जो सबसे पहला बच्चा था जिसकी ज़मीन पे पौधे लगाए जा रहे थे, उसका नाम था अजय। ये जो सबसे पहला बच्चा जिसकी ज़मीन पे पौधे लग रहे थे उसका नाम था अजय, और ये सारे अजय के जो दोस्त हैं वो सब मिलकर के अजय की मदद करने लगे और साथ में अलग अलग चीज़ों के पौधे लगाने लगे। जैसे किसी ने अनार का पौधा लगाया, किसी ने अमरूद और आम का लगाया, फूलों के पौधे लगाए, और किसी ने सब्जियों के पौधे लगाए, ठीक है। उसके बाद पौधे लगाने के बाद सब बच्चों ने आपस में दल बना लिया। दल बना लिया का मतलब ग्रुप बना लिया कि हम लोग बारी बारी से इन पौधों को पानी देने आएंगे, ठीक है। और जब ये पौधे धीरे धीरे करके बड़े हो जाएंगे तो एक सुंदर बाग या सुंदर बगिया बन जाएगी, ठीक है। बच्चों पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं, आपको क्या लगता है कि हम लोग पेड़ पौधे क्यों लगाते हैं, क्या क्या कारण है पेड़ पौधे लगाने के? अगर आप सोचो तो आपको याद आएगा कि आपके स्कूल में भी कितने सारे पेड़ पौधे लगे हैं। तो वो सबसे पहला आप ये बताइए कि जब आप स्कूल में घुसते हैं तो वो इतने रंग बिरंगे पेड़ पौधे फूल सब देख के आपको कैसा लगता है? वो सब देख करके हमें बहुत अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना देखने में। तो सबसे पहले तो पेड़ पौधे लगाने से हमारी जो पृथ्वी है वो सुंदर लगती है, ठीक है। उसके अलावा पेड़ों से और क्या क्या लाभ है? पेड़ होने से हमें सुंदर फूल, मीठे मीठे फल, सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें पेड़ों से मिलती हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेड़ हमें देते हैं, जैसे पेड़ हमें छाया भी देते हैं। छाया जैसे अगर आप बहुत तेज़ धूप है, अगर कहीं आप खड़े हो और वहाँ बहुत तेज़ धूप है तो आप देखने लगते हो कि कहीं छाया हो, कहीं पेड़ हो, तो हम उसके नीचे जाके खड़े हो जाएं। और अगर हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, हमें धूप नहीं लगती है, क्योंकि वृक्ष हमें छाया भी देते हैं, ठीक है। उसके अलावा पेड़ हमारे वातावरण को साफ रखते हैं। कैसे साफ रखते हैं? जो हम सांस लेते हैं बच्चों, जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम सांस लेते हैं, उसके लिए जो ऑक्सीजन है वो पेड़ों से आती है, ठीक है। और जब हम
सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस है, उसको छोड़ते हैं। तो वो जो गैस है वो पेड़ अपने पास खींच लेता है, ठीक है। तो इसी प्रकार पेड़ वातावरण को साफ रखता है। बच्चों, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेड़ करते हैं हमारे लिए, जो हमें नहीं पता चलता, लेकिन पेड़ हमारी बहुत मदद करते हैं, हमें बहुत कुछ देते हैं। बिना हमसे कुछ कहे वो हमें बहुत कुछ देते हैं। इसीलिए पेड़ों को हमारा मित्र भी कहते हैं, कि पेड़ हमारे मित्र हैं, पेड़ हमारे दोस्त हैं। तो इसीलिए बच्चों, आप लोग को भी मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर बोल रही हूँ, कि आप लोग भी कोशिश करिए कि हर साल कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाइए। हर साल कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाइए। कहीं भी, अगर आपके घर की छत पे जगह हो तो आप छत पे लगाइए, या घर के आसपास जगह हो तो वहाँ पे लगाइए। जो भी पौधा या जो भी पेड़ आपको पसंद हो, कोई फल का, कोई सब्ज़ी का या फूल का, जो भी आपको पसंद हो, उसका एक पौधा ज़रूर लगाइए, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आओ पेड़ लगाएं का पहला पाठ, ठीक है। आगे के भी दो पाठ हम पहले एक बार कहानी दोहरा लेते हैं, फिर हम अभ्यास शुरू करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पाठ की ओर, जिसका नाम है हठी कछुआ। पाठ 4, पेज नंबर 22, और पाठ का नाम क्या है? हठी कछुआ। हठी कछुआ मतलब हठी या हट शब्द का अर्थ क्या होता है? ज़िद्दी। हट करना मतलब ज़िद करना। जो लोग दूसरों की या अपने से बड़ों की बातें नहीं मानते हैं, सिर्फ अपनी ही बात करते हैं या अपनी ही बात पूरी करवाना चाहते हैं, उसे बोलते हैं हट करना, और ऐसे लोगों को बोलते हैं हठी, ठीक है, यानी ज़िद्दी। तो इस कहानी में कौन हठी था, कौन ज़िद्दी था? कछुआ, एक कछुआ था जो ज़िद्दी था, ठीक है। इस कहानी में दो पात्र हैं, एक है चील और दूसरा कछुआ, ठीक है। तो चील और कछुआ, बच्चों आपको याद होगी ये कहानी, मैं फिर से आपको दोहरा देती हूँ, कि चील और कछुआ जो थे वो दोस्त थे, ठीक है। चील और कछुआ दोनों दोस्त थे, लेकिन जो कछुआ था वो बहुत हठी था, बहुत ज़िद्दी था। एक दिन कछुए ने ज़िद की कि उसे भी चील की तरह से आसमान में उड़ना है। वो सोचता था कि चील या और अलग अलग पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं वो कितने भाग्यशाली हैं, और वो अपने लिए सोचता था कि मैं तो आसमान में उड़ ही नहीं पाता, तो मैं कितना भाग्यशाली या उनके प्रति कम भाग्यशाली हूँ। जो लोग आसमान में उड़ पाते हैं उनको कितना आनंद आता होगा, और मैं नहीं उड़ पाता। तो वो इस प्रकार की बातें सोचता था। तो एक दिन उसने अपने मित्र चील से ज़िद की कि मुझे भी आसमान में उड़ना है। तो चील ने उसे समझाया कि ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम तो आसमान में नहीं उड़ सकते। लेकिन हमें तो पता है कि कछुआ कितना हठी था, वो एकदम दूसरों की बात नहीं सुनता था, वो अपनी ही बात मनवाता था। तो उसने बहुत हट की अपने दोस्त या अपने मित्र चील से। तो अंत में चील ने उसकी बात के आगे हार करके कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आसमान की सैर कराऊंगा। तो फिर चील ने क्या किया, चील ने एक दिन अपने पंजों में कछुए को पकड़ लिया और उसे लेकर के ऊपर आसमान में उड़ गई, खूब ऊंचाई पे उड़ गई। कछुए को बहुत आनंद आया आसमान में उड़ने में। तो उसने फिर से हट की, उसने अपने दोस्त से कहा कि अब तुम मुझे छोड़ दो, जिससे मैं भी, अब तो मैं आसमान में आ गया हूँ तो अब मैं भी उड़ पाऊँगा, तो इसलिए तुम मुझे छोड़ दो।
लेकिन चील ने उसे बहुत समझाया कि नहीं, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो तुम नहीं उड़ पाओगे। लेकिन कछुआ कैसा था? कछुआ बहुत हठी था। वो दूसरों की बात नहीं सुनता था। उसने ज़िद की कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो फिर अंत में चील ने फिर उसे छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, आप सोचो, अगर चील ने कछुए को छोड़ दिया तो कछुए के साथ क्या हुआ होगा? क्या वो आसमान में उड़ पाया होगा? नहीं, वो धड़ाम से ज़मीन पे आकर के गिर गया और घायल हो गया। ठीक है, यही होता है बच्चों, अगर हम दूसरों की या अपने से बड़ों की या उन लोगों की जो हमसे प्यार करते हैं उनकी बात नहीं मानते, नहीं सुनते, तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। अगर हम ज़िद्दी बनेंगे, हर समय अपनी ही बात मनवाएंगे, तो एक दिन हम भी इसी प्रकार घायल हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पे एक और कहानी, इस कहानी से एक और सीख मिल रही है कि बच्चों, कभी भी किसी को सब चीज़ नहीं मिलती। जैसे कछुए को ऐसा लगा ना कि वो भाग्यशाली नहीं है क्योंकि वो आसमान में उड़ नहीं सकता, और जो लोग उड़ सकते हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। अब मेरे को ये बताइए कि जैसे कछुआ आसमान में उड़ नहीं सकता, तो क्या चील ज़मीन पे चल सकती है कछुए की तरह, या चील पानी में तैर सकती है कछुए की तरह? नहीं। तो यहाँ पे कछुए को ये समझना चाहिए था कि जो चीज़ उसके पास है वो इन पक्षियों के पास नहीं है, और जो पक्षियों के पास है वो इसके पास नहीं है। तो सबको सब चीज़ नहीं मिलती। ठीक है, हमारे पास जो है हमें उसी में खुश होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे के पास है सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। दूसरे के पास कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पास हैं वो उनके पास नहीं होंगी। ऐसा सबके साथ होता है, भगवान ने सबको बराबर चीज़ें दी हैं। ठीक है, तो इस कहानी से दो सीख मिल रही है। पहली, कि हमें हठ नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की बात भी सुननी चाहिए, माननी चाहिए। और दूसरी, कि हमें हमारे पास जो है उन चीज़ों में खुश रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरी कहानी की ओर, जो है बुद्धि का बल, पार्ट 7, पेज नंबर 42, यानी 42। बच्चों, इस कहानी में हम लोग ने पढ़ा था बुद्धि का बल। इस कहानी में हम लोग ने पढ़ा था कि एक पेड़ पर एक कौए का जोड़ा रहता था। ठीक है, कौए के जोड़ों ने अपने घोंसले में अंडे दिए थे और वो बहुत खुश थे, अपने अंडों को देख करके बहुत खुश थे। लेकिन उसी पेड़ के नीचे एक खोखली जगह में सांप रहता था, और सांप उन अंडों को खा जाता था। ऐसा बार बार होता था, और कौए के जोड़े बहुत दुखी होते थे इस बात से कि सांप उनके अंडे खा जाता है। तो एक दिन दुखी होकर के जो मादा कौए थी, उसने नर कौए से कहा कि अब हम लोग कहीं दूसरी जगह चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें सांप परेशान करता है, वो हमारे अंडों को खा जाता है। लेकिन नर कौए ने कहा कि नहीं, हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है, हम यहीं पे रहेंगे, और जो हमारी मुसीबत है और या मुश्किल है वो कौन है? सांप, जो उन लोग के लिए मुसीबत या मुश्किल बन रहा था, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, हम अपनी मुसीबत को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए नर कौए ने क्या किया? अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। नर कौए एक दिन अपने दोस्त से मिलने गया। ठीक है, उसका दोस्त कौन था? सियार। सियार ने नर कौए को सलाह दी, उसे समझाया कि
सबसे पहले तो नर कौए ने अपनी जो मुश्किल थी, अपनी जो परेशानी थी, वो अपने दोस्त को बताई। उसको बताया कि कैसे सांप उनके अंडों को खा जाता है। तो सियार ने अपने दोस्त को सलाह दी, उसे समझाया कि यहाँ पास में एक नदी है, जिस नदी में एक रानी नहाने के लिए आई हुई है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। सियार ने अपने दोस्त को एक तरकीब बताई कि यहाँ पास में एक नदी है और उस नदी में रानी नहाने के लिए आई है। तुम उस नदी के पास जाओ और रानी का हार उठा करके ले आओ और उस सांप के बिल में डाल दो। ठीक है, सियार ने इतना ही अपने दोस्त कौए को समझाया। ठीक है, कौए ने वैसा ही किया जैसे उसके दोस्त ने कहा था। जब कौए नदी के पास गया और रानी का हार उठा करके उड़ते हुए वापस आ रहा था, तो जो रानी के सैनिक थे वो कौए का पीछा करने लगे, यानी कौए के पीछे पीछे आने लगे। ठीक है, फिर कौए ने क्या किया, वो हार सांप के बिल में डाल दिया जैसा उसके दोस्त ने कहा था और वहाँ से उड़ गया। अब जो रानी के सैनिक कौए के पीछे पीछे आए थे, वो जब रानी का हार उठाने के लिए बिल के पास गए तो वहाँ उन्हें सांप दिखा और सैनिकों ने क्या किया, अपने भाले से, जो उनके हाथ में ये भाला है, उससे सांप को मार दिया और रानी का हार लेकर के चले गए। तो उससे क्या हुआ दोस्तों, उससे क्या हुआ, उसे जो कौए की मुसीबत थी यानी सांप जो था वो मर गया और कौए के अंडे फिर से कोई सांप नहीं खा पाया, क्योंकि सांप को तो रानी के सिपाहियों ने मार दिया। ठीक है, इस प्रकार कौए ने अपनी बुद्धि के बल पर यानी अपने दिमाग का उपयोग करके उसने अपनी मुसीबत को हल कर लिया। कौए ने जाकर के सांप से लड़ाई नहीं की, वो तो लड़ाई कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो सांप के पास जाता तो सांप तो उसी को खा जाता था। कौए ने जाके उससे कोई लड़ाई नहीं की, उससे कोई बात नहीं की, बस उसने चुपचाप अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपनी मुसीबत से छुटकारा पा लिया। ठीक है, तो अगर हम कभी किसी मुसीबत में पड़े तो हमें लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम एकदम ज़ोर ज़ोर से लड़ रहे हैं, एकदम चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एकदम चुपचाप अपनी बुद्धि का उपयोग करना है कि हम कैसे अपनी मुसीबत से दूर या मुसीबत से बाहर निकल सकें। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। बच्चों यहाँ पे एक चीज़, एक वर्तनी की अशुद्धि है, उसे आप लोग ठीक करिए। आपकी किताब में जो बुद्धि, ये जो शब्द यहाँ लिखा है, उसको आप इस प्रकार नहीं लिखिए, क्योंकि आपको मैंने ये बताया है कि जब ये छोटी ई की मात्रा लगेगी तो ये संयुक्त व्यंजन के पीछे से लगेगी। ठीक है, ये आधा द है तो आधा द के पीछे से ये छोटी ई की मात्रा ध पे आएगी। तो या तो आप इसको इस प्रकार से करिए जैसे मैं बता रही हूँ, या आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि द के नीचे ध लिखिए और उस पर छोटी की मात्रा लगाइए। ये दोनों ही तरीका सही है। पहला तरीका कि ये ध की जो ये छोटी की मात्रा है ये द के पीछे से लेके आइए, क्योंकि ये आधा द है इसलिए ये द के पीछे से आएगी, और या फिर द के नीचे ध लिखेंगे और उस पर छोटी की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, तो इसको सुधार करेंगे। तो बच्चों अब ये तो हम लोग ने पढ़ ली तीनों कहानी, कि इन तीनों कहानी में क्या था ये हम लोग ने दोहरा लिया।
अब जल्दी से आ जाते हैं अभ्यास पर। बच्चों, ये जो अभ्यास है ये तीनों पाठ पर आधारित, ध्यान से सुनना, तीनों पाठ पर आधारित है। इन तीनों पाठ में जो लघु उत्तरीय प्रश्न या सही गलत या रिक स्थान या और अन्य जो भी अभ्यास है, उन सब अभ्यास में से थोड़े थोड़े शब्द, थोड़े थोड़े प्रश्न लेकर के यहाँ पे आपके लिए मैंने तैयार किया है। ठीक है, आपको इन सबको हल करना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, इसके अलावा भी जो आपकी बुक में है अभ्यास, जो मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, वो जो आपकी बुक में है आप उसको भी करेंगे। ये नहीं कि आप बस इतना ही करिए जितना मैम ने दिया है। जो हम लोग, जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग ने बुद्धि का बल पाठ पढ़ा, ठीक है, बुद्धि का बल पाठ में अगर कुल चार प्रश्न उत्तर हैं, मान लीजिए बुद्धि का बल पाठ में कुल चार प्रश्न उत्तर हैं, तो उन चार प्रश्न उत्तर में से मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही दिए हैं। जो बचा हुआ दो है वो भी आपको करना है, ठीक है। ये क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा लेके कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी करेंगे और जो बुक में बचा हुआ है वो भी करेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न से। लघु का अर्थ पता है, जिन प्रश्नों के उत्तर छोटे होते हैं उन्हें हम लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। प्रश्न पढ़ के सुनाती हूँ। प्रश्न एक, कछुए का स्वभाव कैसा था? बच्चों, प्रश्न का उत्तर जब लिखेंगे तो पूरा वाक्य लिखिएगा कि कछुए का स्वभाव हठी था। सिर्फ हठी था मत लिखिएगा, आपका उत्तर अधूरा रहेगा। पूरा लिखिएगा, कछुए का स्वभाव हठी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दो, अजय क्या कर रहा था? प्रश्न तीन, पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं? प्रश्न चार, बच्चों को घोंसले में न देखकर कौए के जोड़े की क्या दशा हुई? प्रश्न पाँच, कौए के बच्चों को कौन खा गया था? प्रश्न छः, अपनी हद का कछुए को क्या फल मिला? अपनी हठ का कछुए को क्या फल मिला? और प्रश्न सात, कछुए ने चील के सामने अपनी क्या इच्छा प्रकट की? ये हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद आ जाते हैं रिक स्थान पर। ये रिक स्थान भी हमारे तीनों पाठ पर आधारित है, लेकिन यहाँ पे मैंने चार रिक स्थान दिए हैं। इन चारों के अलावा भी जो बुक में बच रहे हैं तीनों पाठों में रिक स्थान, आप उसका भी अभ्यास करेंगे, उसको छोड़ मत दीजिएगा। एक नंबर, चील ने कछुए को आकाश में उड़ना डैश बताया। दो नंबर, पेड़ पौधे वायु को डैश रखते हैं। तीन नंबर, पेड़ पौधे हमारे डैश हैं। चार नंबर, डैश को उड़ते देख कछुए के मन में भी उड़ने की इच्छा जागी, ठीक है। अब ग नंबर, सही एवं गलत का निशान लगाइए। जो वाक सही है उन पर सही का निशान और जो गलत है उन पर गलत का निशान। एक नंबर, अंबर अपनी जमीन में पौधे लगा रहा था। दो, सियार रानी का हार लेकर भागा। तीन, सिपाहियों ने सांप को मार दिया। अब बढ़ते हैं घ नंबर की ओर। घ नंबर पे शब्द अर्थ है।
शब्द अर्थ आपके तीनों पाठ में हैं, उन तीनों पाठ में से कुछ शब्द अर्थ यहाँ पे दिए हैं, लेकिन जो नहीं दिए हैं आपको उनको भी ध्यान में रखना है, उन्हें भी अभ्यास करना है। जो यहाँ पे दिए हैं वो हैं कोशिश, घोंसला, कठिन, मित्र, ज़मीन। बच्चों शब्द अर्थ को दो प्रकार से करने का तरीका है। जैसे एक तो जैसे हम करते हैं कि शब्द है उसका अर्थ लिखते हैं, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी यहाँ पे बताया गया है, वो है सही अर्थ पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। यहाँ पे शब्द दिए हैं, ये भी जो शब्द हैं शब्द अर्थ से ही लेके दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे शब्द दिए हैं, पहला शब्द है आकाश, तो आकाश का अर्थ यहाँ पे नीचे कुल तीन अर्थ है, इसमें से एक सही है और बाकी दोनों गलत है। तो जो सही है आप उस पर सही का निशान लगाएंगे और जो गलत है उसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको शब्द अर्थ अच्छी प्रकार से याद है तो आपको अगर इस तरह से भी करना पड़े तो आप कर पाएंगे। पहला है आकाश, साफ, आसमान, दोस्त, तीन अर्थ दिया है, जो सही है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। दूसरा तालाब, जलाशय, सुख, दुखी, जो सही है उस पर सही का निशान लगाएं। तीसरा सलाह, तरकीब, प्रयास, सुझाव। बच्चों यहाँ पे सिर्फ तीन दिया है, तीन आपको समझाने के लिए दिया है, लेकिन आपके किताब में इन तीनों पाठ में बहुत सारे शब्द अर्थ हैं, आप उन सभी का अभ्यास करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं च नंबर पे। च नंबर पे आ जाता है वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाइए के शब्द पहले भी हम लोग वाक्य बना चुके हैं, उन्हीं शब्दों में से कुछ शब्द यहाँ पे फिर से दिए हैं आपको, सांप, कोशिश, सुंदर, ईश्वर, तालाब। इन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है, लेकिन जो पहले वाक्य बना चुके हैं वही आपको याद करके या देख करके नहीं लिखना है, आप कुछ नए वाक्य भी बना सकते हैं, नए वाक्य बनाने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से समझो बच्चों। किसने कहा, किससे कहा, बताइए। देखो आज हम लोग ने कुल तीन पाठ का अभ्यास किया, उसमें से हठी कछुआ पाठ और बुद्धि का बल पाठ, इन दोनों पाठ में से लेकर के एक अभ्यास है किसने कहा और किससे कहा, ठीक है। कौन सी बात कौन कह रहा है और किससे कह रहा है ये आपको लिखना है। जैसे रानी का हार उठाकर सांप के बिल में डाल दो, ये हम लोग ने पढ़ा, तो ये बात किसने कही थी, सियार ने कही थी, और किससे कही थी, कौए से कही थी। तो आपको यही लिखना है कि किसने कही थी और किससे कही थी, बात आपको लिखी हुई मिलेगी, वो बात किसने कही और किससे कही ये आपको लिखना है, ठीक है। तो हठी कछुआ और बुद्धि का बल पाठ पर आधारित यह अभ्यास है। आपके पाठ में, इन दोनों पाठ में और भी ज़्यादा हैं बातें पाठ के बीच बीच में, यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए कुछ चार वाक्य दिए गए हैं, लेकिन आप जो नहीं भी दिया है इसमें उसका भी अभ्यास करेंगे अपने पाठ के द्वारा, पाठ को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ख नंबर पे है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तो ये किसने कहा था, कछुए ने कहा था, किससे कहा था, चील से कहा था, ठीक है।
ग नंबर पे, मैं आकाश में तैरना चाहता हूँ। फिर घ नंबर पे, कल मैं तुम्हें आकाश की सैर करवाऊंगी, तुम तैयार रहना। इसी प्रकार बच्चों और भी संवाद है आपकी किताब में, आप उनका भी अभ्यास करिएगा। अंतिम अभ्यास है बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये पता है हमें, लॉन्ग आंसर्स को हम लोग बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय, और दीर्घ को विस्तृत भी बोल सकते हैं। तो कुल यहाँ पे 5 प्रश्न हैं, वो पढ़ के बता रही हूँ, ये आप अपने आप करेंगे। प्रश्न 1, पेड़ पौधे हमारे मित्र क्यों हैं? पेड़ पौधे हमारे मित्र क्यों हैं? प्रश्न 2, हठी कछुआ कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हठी कछुआ कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? प्रश्न 3, बुद्धि का बल कहानी में कुल कितने पात्र थे? उनके नाम लिखिए। बुद्धि का बल कहानी में कुल कितने पात्र थे? उनके नाम लिखिए। प्रश्न 4, कौए ने सांप से छुटकारा कैसे पाया? कौए ने सांप से छुटकारा कैसे पाया? और अंतिम में 5वां प्रश्न, यदि आप किसी मुसीबत में पड़ जाएं, तो उसका हल कैसे निकालेंगे? 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आज का हमारा 3 पाठों का रिवीजन। इसे अच्छे प्रकार करिएगा बच्चों। गुड डे।